अच्छा तो आ गए आप सब। अब जल्दी से चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज ही सुनते हैं, सुने हैं कि आज स्वीटिया का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, 12th का। आया क्या जी? 11 तो बज ही गया है, 11 ही बजे आने वाला था ना रिजल्ट ऑनलाइन। कॉल कीजिए तो। उसको भी हमारे तरह यूपीएससी का एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही होगा। उसके घर में उसकी बुआ यूपीएससी कर रही है और वो ना करेगी तो घर का नाक नहीं कटेगा। गोल लागे है जीजी। भाभी है घर पे? हाँ जरा दियो, आज स्वीटिया का रिजल्ट है ना एचएस का, हम यहाँ यूपीएससी क्लियर करके बैठे हैं, वो नहीं करेगी तो हमारा नाक नहीं कटेगा जी। गोल लगे थे भाभी? कुछ नहीं है। वो स्वीटी को फोन दीजिए ना तनी। जी देते हैं। स्वीटिया क्या हुआ, काहे चला रही है? लो उठ जा, यूपीएससी वाली बुआ का फोन है। क्या? यूपीएससी वाली बुआ का फोन? तू ले फोन ले, अभी तक सो रही है। हाँ बुआ जी, प्रणाम। हाँ स्वीटी, खुश रहो खुश रहो। और बताओ, रिजल्ट आने वाला था ना तुम्हारा, क्या हुआ रिजल्ट का? हाँ हाँ पास हो गए। पास कर गई? मार्क्स कितना आया? 70%। 70%? तुम हमारे खानदान से होकर 70% ले आई हो और अभी सोकर अभी उठ रही हो? नाक कटवा दो अपनी बुआ का सत्यानाश है। कम से कम तुमको जैसा प्रिपरेशन करवाए थे ना, उस हिसाब से तुम्हारा 90% आना चाहिए था। 70% ला के खुश हो रही है? सॉरी बुआ, पर मम्मी तो मिठाई बंटवा रही है। कहा कहीं मिठाई बंटवाएंगी? अब घंटा मिठाई बंटवाएंगी। भाभी को फोन दो, अभी भैया को फोन दो, हम यहाँ यूपीएससी क्लियर करके बैठे हैं। तुम बुआ तो आ रही ना वो, आज आपको पता है सारी सारी क्लास में सारी लड़कियों से ज्यादा मार्क्स है मेरा। सिर्फ लड़कियों को जो तुमसे कम है उसको मत देखो, जो तुमसे आगे गया है उसको देखो, उसको पार नहीं करना है तुमको, उसको पार करने की सोचो। पता नहीं क्या लिख के आई है एग्जाम में। रखो तुम फोन रखो और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कल ही तुम हमारे पास आ जाओ। परेशान कर दिया एकदम, नाक कटवा दी है मैं तुमने। दो भाभी को फोन दो। हाँ भाभी प्रणाम। ये क्या कर रही है कि आप रसगुल्ला बंटवा रहे मोहल्ला में? 70% मार्क्स भी कोई मार्क्स भला? हम लेके आए थे 90% मार्क्स, तब भैया हमको कितना डांटे थे। और आप एक रसगुल्ला बांट रही हैं मोहल्ले में, इसको यूपीएससी क्लियर नहीं करवाना है का? और मिठाई ये लोग, अरे वो सब छोड़िए ना, आप कैसे हैं और वहाँ का माहौल कैसा है पढ़ाई लिखाई का? नहीं भाभी, यहाँ तो एकदम बेस्ट माहौल है, हम तो एकदम मजे से हैं, कोई नो दिक्कत नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई का एकदम एजा को नो दिक्कतें नहीं है। भेज दो स्वीटिया को, बाकी फिर हम तो है गाइडेंस के लिए। थोड़ा सा चिंता होता है ना? नहीं नहीं भाभी, एकदम में चिंता मत करो, हम है ना यहाँ, सब संभाल लेंगे। ठीक बा भाभी, ठीक है रखते हैं, थोड़ा हमको जाना है बाहर, काम है कुछ। ठीक बा भाभी, प्रणाम। पता नहीं लड़की जीवन में का जो करेगी, एक तो यूपीएससी क्लियर कर चुकी है उसकी बुआ और वो लड़की नाक कटवाने पे तुली हुई है। 70% में मिठाइयाँ कौन बांटता है? मम्मी सुने हैं आज स्वीटिया का रिजल्ट आया है, पूछे नहीं का? फोन तो करना बनता है, हम करते हैं फोन, अब पता चल जाएगा। ओ दीदी प्रणाम, खुश रहो। सुनो हाँ स्वीटिया का रिजल्ट निकला है। हाँ एचएस का ना, इसीलिए फोन किया है। हाँ ठीक सुनी हो।
और कितना आया? 70%। अरे दीदी दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया दिल। लेकिन दीदी जितना पढ़ती थी उस हिसाब से कम नहीं आ गया है? 80-90 तो आना चाहिए था ना। और उसकी वो UPSC वाली क्लियर वाली जो उधर बैठी है बुआ जी, कितना पढ़ाती थी उसको। हाँ ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ लेकिन जाए तो स्वीटर को इतना तो आया, फर्स्ट डिविजन लाई है, मिठाई बांटो दीदी। बांट ही रहे हैं। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कब आ रही हो? अरे हम कल ही आ रहे हैं, बड़ा एकदम ब्रांड न्यू पार्टी करेंगे। हाँ एकदम बड़ा वाला, स्वीटी का पसंद वाला केक लेके आएंगे एकदम। हाँ अच्छा, और मम्मी कैसी है? अपना ध्यान रखना और मम्मी का भी। हाँ दीदी ठीक बड़ी दीदी, थोड़ा सा स्वीटी को फोन दो तो। ठीक है रुको देते हैं। स्वीटिया हाँ मौसी प्रणाम। ए स्वीटी इतना काम कैसे लाई रे? अरे पता नहीं कैसे हो गया। तुमको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है? हाँ लगता है। ठीक ठाक से पढ़ा करो। पढ़ते तो है। तुम्हारी बुआ को देखो, UPSC क्लियर की है। हाँ तो आप कौन सा पढ़ लिख कर UPSC क्लियर करके बैठी हैं? तो पांच उंगली एक बराबर थोड़ी होता है, मौसी ने की है तो क्या हुआ, बुआ की है ना। वही तो हम भी आपको समझा रहे कि पांच उंगली एक बराबर नहीं होता। बुड़बक के रहोगी जिंदगी भर तो जाओ। तुम फोन रख रहे हैं, खुश रहो, कल आ रहे हैं तुम्हारा फेवरेट वाला केक लेके। ठीक है ठीक बा। परेशान कर दिए रिश्तेदारों ने। कांग्रेचुलेशन स्वीटी की मम्मी, सुने हैं स्वीटी का HS में 70% मार्क्स आया है। पार्टी नहीं दीजिएगा? क्या बात कर रहे हैं, हमारी बेटी तो एकदम नालायक है, पढ़ती है जिसका मार्क्स वक्स आएगा, अच्छा मार्क्स नहीं लाई है। छोड़िए ना, आप बताइए पार्टी कब दे रही है? अच्छा कल इसकी मौसी आ रही है, कल देंगे। ठीक है ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगी। नहीं जी, हमारी बेटी का कहाँ अच्छा मार्क्स आया है, 90% ही लाई है बस। इतना घर पे डांटे इसके पापा, सुनती ही नहीं है। हाँ नहीं वो फिर भी स्वीटी पढ़ती नहीं थी ना, इतना बिना पढ़े लाई है, ये कम थोड़ी है 70%। ये तो पढ़ा पढ़ा के एकदम पागल कर दी थी हम लोगों को, अपने साथ साथ हम लोग को भी पढ़ाती थी, इतना करने के बाद तब जाके 90% लाई है, बताइए। हाँ कोई नहीं, आप पार्टी करिए, हम रिंक्या को भी लेकर आएंगे साथ में, वो भी इंजॉय करेगी। ठीक है ठीक है। हाँ बस यही पूछना था, बस यही पूछना था कि स्वीटी का कितना आया है। सुने थे 70 आया है लेकिन भरोसा नहीं हुआ ना, ऐसी ऐसी लड़की का 70% आने लगा है तो हमारी रिंक्या का तो 100% आना चाहिए ना। नहीं तो इसीलिए सोची कि कंफर्म कर लेते हैं, उक्का है ना कभी कभी कानों सुनो बातों पे भरोसा नहीं होता है ना। जी 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 ठीक है प्रणाम। आज स्वीटी का रिजल्ट है ना HS का, पूछना तो बनता है, आखिर HS के बाद ही तो लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं लोग अपने। ठीक बा फिर मोबाइल बज रहा है। हेलो। अरे क्या है आप लोग परेशान नहीं होते का कॉल कर करके, मतलब खुद तो परेशान होना है और दूसरों को भी परेशान कर देना है। का हो गया स्वीटी, इतना गर्म काहे हो रही हो? 70% आया है, कुछ करिएगा। अरे पर अभी तक तो हम रिजल्ट के बारे में पूछ भी नहीं किए कुछ।
सॉरी चाची। अरे हाँ, हम समझ सकते हैं। सुबह से तुमको कॉल आ रहा होगा ना सबका, कितना आया, बताते बताते थक गई होगी बेचारी। कोई बात नहीं। हाँ चाची, सॉरी। अरे होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम अपनी मम्मी को फोन देना। हाँ, थोड़ा भजन कीर्तन में भी मन लगा लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि मेरी स्वीटिया को पूरा फर्स्ट डिवीज़न आया, पूरा 70% और पास हो गई। ये को टेंशन निकल गया सिर से। मम्मी, चाची का फोन है। दो, चाची से भी बात करना है। पता नहीं क्या संस्कार देके रखे अपनी बेटी को, भाग यहाँ से। हाँ दीदी, प्रणाम। हाँ छोटी, खुश रहो। कैसे संस्कार दिए स्वीटिया को, मतलब ऐसे बात करता है कोई? हाँ मानते हैं सुबह से कॉल आ रहा है रिजल्ट के लिए, बहुत सारा उसको परेशान हो गई है, लेकिन आपका फ़ोन एक तो अपने पास रखिए, उसको सही से बात करने का तमीज़ नहीं है, ऐसे बात करते हैं। हमको ये बात बहुत बुरा लगा है, हम नहीं आएंगे कब आपके पास। अब आज के बाद हम उससे बात नहीं करेंगे, हमको दिल पर बुरा लगा है ये सब बात। बता दे रहे हैं आपको। आरिस छोटी, सॉरी छोटी, उसकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। छोटी बच्ची किसी से कुछ भी नहीं बोले, लेकिन आपको तो संस्कार देना चाहिए कि भरोसे कैसे बात करना कैसे नहीं। अरे सुनो तो, हमको यहाँ दिन में बहुत तो नहीं नहीं हम नहीं आ रहे आपका दीदी। हाँ अरे, पर मिठाई खाने तो आ जाओ। कम मिठाई खिलाएंगी? हाँ तो ठीक है, हम भी खुश हैं कि उपास हो गई, तो इसीलिए खुशी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। बताए दे रहे जब तक स्वीटी को नहीं समझाएंगे आप। हाँ ठीक है, खाने तो आओ। ठीक है, अभी का था, ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? तो वो तमीज़ नाम का चीज़ नहीं, जितना सिखाया उतना पढ़ खा के बैठ जाओ। सुनना तो हमको पड़ता है सबसे। सुबह से साला सब कॉल कर करके परेशान कर दे रहा। हाँ चाचा जी, प्रणाम। हाँ चाचा, 70% आया है जी। जी रसगुल्ला बांट रहे हैं, आ जाइए खाने। वैसे भी फ्री खा तो खाने का आपको आदत है ना? नहीं मतलब, अगर फ्री में मिल रहा है तो छोड़ना भी तो नहीं चाहिए ना चाचा जी। हाँ आप आ जाइए, मम्मी मिठाई बांट रही है जी। जी रखते हैं, घर आके बात कीजिएगा। ठीक है। तो ऑफ करने का भी अपना अलग ही मजा है। सुने कि स्वीटिया का 70% आया है और मेरी बेटी का 80%, कॉल करना तो बनता है। अरे यार, आप कौन कर रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ स्वीटी, हम रेणुका की मम्मी बोल रहे हैं। ओ आंटी जी आप? हाँ हाँ नमस्ते, पहचान गए। कितना परसेंट आया बचपा तुम्हारा? जी 70%। 70%? रेणुका का तो 80% आया है। तो हम क्या करें, नाचे? आगे 80% तो खुश हो जाइए। मेरे घर मिठाई खाने मत आइएगा, हम आ रहे हैं आपके घर मिठाई खाने, खिला दीजिएगा। ठीक है, 80% आया आपकी बेटी का, इतना तो कर ही सकते हैं ना। एकदम तमीज़ नहीं है क्या तुम में? कैसे मैनर्स प्लस की तरह बातें कर रही हो ना? वैसे भी फ्री का खा के तो आपका पेट फूल गया होगा, और दूसरों के घर से मसाला ले के भी खुद के घर में भी मसाला डालिए ना, दूसरों के घर से नमक मिर्ची। आजकल के बच्चे ना एकदम मैनर्स लेस हो गए हैं, मतलब तमीज ही नहीं है। अपने से भरोसे कैसे बात करना है कुछ भी पता नहीं। शायद गलती हमारा ही था, मजा लेने के लिए फ़ोन कर दिए थे। शायद बेचारी को हर्ट हो गया होगा, कम नंबर आया ना मेरी बेटी से। पर फिर भी ऐसे बात करते हैं का? नहीं, ऐसे बात नहीं करते हैं किसी से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।